नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSC प्रमोद GKGS। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर एक, सूचना माध्यम किसे कहते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ईमेल को, पेज को। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है इंटरनेट को। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है फेसबुक पेज को। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंटरनेट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर है दो, स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या इकाई है। पहला ऑप्शन है बाइट। नेक्स्ट इसका जो दूसरा ऑप्शन बीट। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है बग। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर है तीन, कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है फादरबोर्ड। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है मदरबोर्ड। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है कीबोर्ड। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है कीबोर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर है चार, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 2 दिसंबर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 19 दिसंबर। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है वो है 22 दिसंबर। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है पाँच, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है IBM। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है इन्फोसिस। नेक्स्ट इसका जो चौथा ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है माइक्रो सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर है छः, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है हार्डवेयर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है हार्डवेयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर है सात, याहू गूगल एवं MSN है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है इंटरनेट साइट्स। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है कंप्यूटर ब्रांड। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है शनि ग्रह के छल्ले। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है इंटरनेट साइट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है आठ, सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है पृथ्वी। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है मंगल। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बुध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है नौ, सूरज के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यम, दूसरा ऑप्शन है वरुण। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है अरुण। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है वरुण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है दस, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा जो इसका ऑप्शन है वह है शुक्र। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है बुध। नेक्स्ट इसका चौथा ऑप्शन है वो चंद्रमा। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है शुक्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 11, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है शुक्र। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है मंगल। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है शनि। नेक्स्ट इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है बृहस्पति। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है मंगल। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 12, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पृथ्वी, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है मंगल, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है शनि, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है बृहस्पति। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है बृहस्पति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 13, सबसे चमकीला ग्रह है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है शुक्र, नेक्स्ट इसका तीसरा ऑप्शन है वो है मंगल, नेक्स्ट इसका चौथा ऑप्शन है वो है शनि। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है शुक्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 14, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 7, दूसरा ऑप्शन है वो है 8, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 9, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 10। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 15, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। पहला ऑप्शन है मिल्की वे, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है मंगल, नेक्स्ट इसका तीसरा ऑप्शन वो है शुक्र, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है मिल्की वे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 16, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता से, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन वो है वैदिक काल से, नेक्स्ट तीसरा है मौर्य काल से, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है गुप्त काल से। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है सिंधु सभ्यता से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है लोथल से, नेक्स्ट तीसरा है मोहनजोदड़ो से, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है रंगपुर से। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका जो सही जवाब है वो है मोहनजोदड़ो से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 18, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, और चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका जो सही जवाब है वो है गेहूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 19, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मध्य पाषाण काल, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है नवपाषाण काल, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है ताम्रपाषाण काल, नेक्स्ट इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है नवपाषाण काल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 20, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। इसका जो पहला ऑप्शन है कुत्ता, नेक्स्ट दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है हिरण, तीसरा जो ऑप्शन है वो है गाय, और नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है कुत्ता। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।